रानी की नई फिल्म अय्या 12 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में रानी के एक दो नहीं बल्कि तीन तीन आइटम सॉन्ग हैं। अय्या यानी रानी एक साथ करने जा रही हैं आइटम्स की हैट्रिक। इस बारे में रानी का क्या कहना है, आइए देखते हैं। ड्रीमम वेकअपम क्रिटिकल कंडीशनम अर्थम क्वेकअपम हिलडल सब शेकअपम। अय्या के सारे गाने देख के लोगों ने कहा कि डांस पलंग तोड़ है, किसी ने कहा कंबल फाड़ है, लेकिन रानी ने जब खुद उस डांस को देखा तो उन्होंने सीटी बजाई बहुत जोर से। एक्चुअली सीटी मेरी दोस्त बजाती है, मुझे सीटी बजाने में एक बार हो जाए। कैसे कैसे करें? यार एक ग्लॉस लगाए। आजकल सभी हीरोइंस ना फिल्मों में आइटम नंबर्स कर रहे हैं या डिफरेंट तरह के डांस फॉर्म ट्राई कर रहे हैं। व्हाई डू यू थिंक दिस इज अ काइंड ऑफ अ डिमांड फॉर टुडेज हीरोइन दैट दे हैव टू लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑडियंस दैट यू नो हर एक को डिफरेंट डांस फॉर्म्स या डिफरेंट आइटम नंबर्स या डिफरेंट सॉन्ग्स करने चाहिए, आपको लगता है? देखिए मैं ये एक चीज बोलना चाहूंगी, एक आइटम सॉन्ग्स आप किसको बोलते हैं, विच इज आइटमाइज्ड इन द फिल्म। ओके, मतलब कि फिल्म से कोई लेना देना नहीं होता, फिल्म में उसको मतलब धक्का देके उसको पुश किया जाता है। अब ये अभी ये फिल्मी एक आइटम है, मतलब आप सोचो ये जैसी फिल्म है, इट्स इन द जॉनर फिल्मी आइटम है, कॉमेडी, सो हमारी फिल्म आइटम है, इट्स एन आइटम फिल्म। हमारी फिल्म आइटम है, हमारे गाने आइटम नहीं है। हमारे गाने जो है वो स्क्रीन प्ले में बहुत अच्छी तरह से बैठते हैं और एक रीज़न है क्यों हर गाना आ रहा है। जैसे कि अब मेरा जो लावनी गाना है, सचिन बींग अ महाराष्ट्रन ऑलवेज वॉन्टेड कि जब मेरी फिल्म में मीनाक्षी देशपांडे मेरी हीरोइन इंट्रोड्यूस होगी तो वो लावनी करते हुए इंट्रोड्यूस होगी। तो लावनी अगर आप देखेंगे गाना, उसमें एक पूरा एक मतलब मज़ा है, मस्ती है। वी आर इंट्रोड्यूसिंग मीनाक्षी देशपांडे और उस वो अपने ड्रीम में क्या क्या करना चाहती है, क्या क्या बनना चाहती है और किस किस के ख्वाब देखती है वो। तो वो लावनी गाने में वो बहुत कॉमिक वे में वो हमने वो मतलब दर्शाया है। फिर ड्रीमम वेकअप हम उस टाइम पे आता है कि मीनाक्षी देशपांडे का कैरेक्टर एक तमिल लड़का मतलब सूर्या जो है हमारी फिल्म में पृथ्वीराज, उसके प्यार में मतलब एकदम पागल हो जाती है उसके स्मेल के लिए। और शी वॉन्ट्स टू लर्न तमिल लैंग्वेज, क्योंकि अभी कैसे होता है ना, जैसे अगर हम किसी दूसरे कल्चर के लड़के से प्यार करें तो हम चाहते हैं कि वो लड़के का जो भाषा है वो हम सीखें ताकि उसको इम्प्रेस कर सकें। तो मीनाक्षी एकदम उस चीज़ से डिफरेंट नहीं है, तो मीनाक्षी वॉन्ट्स टू लर्न तमिल इन द फिल्म, तो वो तमिल सीखती है। एक मतलब एक लड़के का कैरेक्टर है, छोटा लड़का है पकड़ा पांडे, तो पकड़ा पांडे उसे बोलते हैं कि आप रात को मिडनाइट मसाला देखिए और आपको वहाँ से तमिल सीखने को मिलेगा। तो ये बेचारी जाती है रात को 12 बजे मिडनाइट मसाला ऑन करती है और वहाँ से वो ड्रीमम वेकअपम गाने में चली जाती है, बिकॉज शी गेट्स इंस्पायर्ड बाय व्हाट शी सीज। So you actually learned Tamil or not? Yes, yes, I did for the film. Okay. और अभी ये अग्गबाई हल्ला मचा रहे जिसके लिए हम इंटरव्यू आज कर रहे हैं। वो जब गाना फिल्म में आता है, इट्स अ सॉन्ग विच इज़ बेसिकली टॉकिंग अबाउट अ गर्ल्स फैसिनेशन, अ गर्ल्स लव। एक लड़की किस तरह से लड़के के बारे में सोचती है अपने ख्वाबों में, वो उसका गाना है। क्योंकि ऐसे गाना है अग्गबाई हल्ला मचाए रे, तो हल्ला क्या क्या मच रहा है, बेसिकली उसके दिल के जितने तार हैं वो मतलब हल्ला मतलब मचा रहे, उसके उसके बदन के जितने पोर्स हैं वो हल्ला मचा रहे। तो वो गाना है अग्गबाई हल्ला मचा रे, अग्गबाई हल्ला मचा रे। मैडम ने मैडम ने एक मिनट माइक इधर कीजिए। ओके, मैडम ने एक स्टेप दिया है अग्गबाई हल्ला मचा रे, ये इसका मतलब है कि सब कुछ हिल रहा है, सब कुछ हल्ला मचा रहा है। तो बेसिकली गाना वो है। और मैडम ने एक दूसरा लेयर लाया है बेली डांसिंग का, क्योंकि जब हमने गाना सुना था तो वैभव जी बोला कि यार ये गाना इट्स लाइक पलंग तोड़ कंबल फाड़ गाना है, और हमें ये गाने को एक दूसरा लेयर देना चाहिए, बिकॉज इट वी कैंट लाइक एक्चुअली इट नीड्स डांसिंग। तो वैभवी आइडिया लेके आई दैट बिकॉज इट हैज़ अ इंडियन क्लासिकल कम लाउंज फ्यूजन, आई थिंक वी शुड गो इन विथ बेली डांसिंग विच नो वन हैज़ डन बिफोर एंड वी शुड फ्यूज इट विथ अ क्लासिक इंडियन टच। तो इस वजह से वैभवी ने वो चीज़ उस गाने में लाए। तो आई वुड नॉट कॉल इट आइटम सॉन्ग्स, बट येस टू
don't have a better word to like describe these kind of songs ki humne ye nahi kaise gaane dhamakedar gaane hai ki ekdam bahut hi song is a word which people can relate very easily easily to isliye kyunki hume easily relate karna hai to hum kahenge relate matlab relate karna hai to hum keh dete hai ki teen item gaane film mein thank you so much for thank you Time now.